नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर चोरी, घर का ताला तोड़कर नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका के साथ गहने और दूसरा महंगा सामान चुराया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में शशिकला के शपथ ग्रहण पर सस्पेंस, राज्यपाल सी विद्यासागर राव शशिकला को पद की शपथ दिलाने से पहले ले रहे कानूनी सलाह, तो वहीं विपक्षी दल डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन पहुंचे दिल्ली, गृह मंत्री और पीएम से करेंगे मुलाकात, शपथ ग्रहण रोकने में केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग। बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी ने शिवसेना कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का बड़ा आरोप, टिकट बंटवारे को लेकर साठगांठ करने का है आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को हास्यास्पद करार दिया। कानपुर रेल हादसे का मुख्य साजिशकर्ता शमशुल होदा नेपाल के काठमांडू से गिरफ्तार, आरोपी शमशुल होदा भारत में कई ट्रेन हादसों के लिए है जिम्मेदार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर करता था काम। देर रात भूकंप से सहमा दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत, रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का रहा भूकंप, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में था भूकंप का केंद्र, एनडीआरएफ अलर्ट पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी आतंकवाद को हराने का संकल्प दोहराया, आवर्जन प्रतिबंध का बचाव करते हुए कहा देश में उन्हें नहीं जमाने देंगे पैर। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहां है खबरें लगातार।